हेलो यार, सबको जय मसीह की। आज मैं आप लोगों को ये बताने जा रही हूँ एक मसीही संगति के बारे में। एक उधार पाए हुए व्यक्ति को अपने आत्मिक उन्नति के लिए पवित्र लोगों और कलेसिया के साथ संगति रखना जरूरी है। पिंताकुस्त के दिन जब लोगों ने उधार पाया तो वे कलेसिया और प्रेरितों के साथ संगति रखने में लगे रहे। कलेसिया एक परमेश्वर का परिवार है और नया जन पाए हुए व्यक्ति का आत्मिक पालन पोषण कलेसिया की संगति से ही होगा। एक नए विश्वासी की आत्मिक बुद्धि कलेसिया के नियम, अनुशासन और आचरण से ही असंभव है। कलेसिया परमेश्वर का घराना है, पहला तिमोथियो 3:15 में लिखा है। इस प्रकार लिखा है कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवते परमेश्वर की कलेसिया है और जो सत्य का खंभा और नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए। इस घराने में प्रार्थना, धन्यवाद, स्तुति और आराधना के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ और अनुग्रह प्रकट होते हैं, जिसने एक विश्वास की आत्मिक उन्नति होती है। हम प्रेरित 2:1-47 तक पढ़ाई करते तो उसमें इस प्रकार लिखा है, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3,000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उसकी सब वस्तु साझे में थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन और होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे, क्योंकि संगति में प्रभु यीशु अपने आप को प्रकट करता है। मत्ती, जब हम मत्ती 18:20 से देखते हैं तो उसमें इस प्रकार लिखा है, क्योंकि जहाँ दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूँ और प्रभु कार्य भी करता है। जब हम प्रेरित 2:46-47 तक पढ़ाई करते तो उसमें यही वचन बताता है। वे क्या बताता है, देखिए, वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। कुछ लोग प्रभु में आ जाते हैं पर संगति के महत्व को नहीं समझते और संगति से वंचित रहते हैं। उनके जीवन में आत्मिक विकास का न होना और आशीष के जीवन में आगे न बढ़ना, इनका कारण उनका संगति से दूर रहना ही होता है। कुछ विश्वासी संसारिक दायित्वों और कार्यों को संगति से अधिक महत्व देते हैं, इसलिए वे हानि और सफलता से घिरे रहते हैं। देखने और अनुभव में आया है कि जब ऐसे विश्वासियों ने संगति में आना आरंभ किया तो उनके जीवन से हानि और सफलता की बातें समाप्त हो गई और वे लाभ और सफलता में बढ़ने लगे। सत्य तो ये है कि प्रभु के लोग प्रभु की बातों को तुच्छ न जाने और ईशु ने अपने लोगों को जो आत्मिक आज्ञा और विधि दी हैं उनका वे निष्ठा से पालन करें, तभी तो वो जीवन में सफल और सुखमय होंगे। मैं भी जब प्रभु ईशु में आया तो आरंभ में यही समझती थी कि प्रभु के लोगों के साथ और कलेसिया के साथ संगति रखना आवश्यक नहीं है, लेकिन जब मैंने प्रभु का वचन पढ़ा और उसका अध्ययन किया तो मुझे मालूम हुआ कि प्रभु में बढ़ने और आशीष पाने के लिए संगति बहुत आवश्यक है। और जब मैंने प्रभु की बातों को अनुसरण की तो प्रभु ने मुझे आशीष देना आरंभ किया और उन बातों का आज भी मैं अनुसरण करती हूँ। अतः मैं संगति को बहुत महत्व देती हूँ। वास्तव में जो उधार पाते हैं उनको प्रभु कलेसिया में सम्मिलित करता है। मरकुस 16:15-16 तक इस प्रकार लिखा है, और उसने उनसे कहा,
तुम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय में हम उन लोगों को देखते हैं जो मसीह यीशु में आने से पहले शारीरिक रीति रिवाज और मनुष्यों के द्वारा बनाई गई परंपरा आदि का पालन करते थे, लेकिन जब उन्होंने यीशु को मुक्तिदाता ग्रहण किया और उद्धार पाया तो उनके आत्मिक जीवन का रास्ता बदल गया। वे लोग प्रभु की संगति में आ गए लिखा है, और वे प्रीतों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने